सिद्धेभ्यः नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारूणं वन्दित्तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समये पाण नमो सुदकेवलीहनिदं नमः समये साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे पापके भावसब हे आश्रव दुःखका यह आत्म आश्रव रहित परम धर्म सुख का। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम आश्रव अधिकार के उपसंहार की अंतिम गाथाओं पर अपन चर्चा कर रहे हैं। पूरे अधिकार में चर्चा चल रही थी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी आश्रव से रहित है और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी को आश्रव होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को रागादि का अभाव होने के कारण से आश्रवबंध नहीं होता और मिथ्या दृष्टि को रागादि का सद्भाव होने से बंद आश्रव होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को रागादि का सद्भाव क्यों नहीं होता, रागादि का अभाव क्यों होता है और मिथ्या दृष्टि के रागादि का सद्भाव क्यों होता है, अभी जो प्रकरण चल रहा है उसके हिसाब से वे शुद्ध नय में एकाग्र होते हैं, शुद्ध नय का आश्रय करते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी, अर्थात शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करते हैं, शुद्ध आत्मा में लीन रहते हैं, इसलिए उन्हें रागादि का सद्भाव नहीं है। दो विवक्षाएं थी, जिस शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्मा में उन्होंने अहम स्थापित किया है, जिसमें निरंतर लीनता का भी प्रयास कर रहे हैं, उस शुद्धात्मा में रागादि है ही नहीं, इसलिए श्रद्धा की अपेक्षा जब वे अपना संचेतन करते हैं तो वहाँ रागादि दिखते नहीं हैं, इसलिए रागादि का अभाव है। दूसरा, जो अनंत संसार का कारण वाला मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी रागादि है वे नहीं हैं, इसलिए रागादि का सद्भाव नहीं कहा, और उसी अपेक्षा से आश्रवबंध नहीं होता, उसका अर्थ भी वही है। चूंकि वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपने को अबद्ध स्वरूप जानते हैं, मैं तो अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मेरे इस अमूर्तिक आत्मा में कर्मों का बंधन कैसे हो सकता है, इसलिए उन्हें बंध है ही नहीं, मैं वो चैतन्य स्वरूप माने शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध आत्मा, उसमें बंधन नहीं है, इसलिए मुझे बंधन नहीं होता, ज्ञानी को बंध नहीं होता, और होते हुए बंध में उसका स्वामित्व नहीं है, ये मुझे हो रहा है या इसका कर्ता मैं हूँ ऐसा स्वामित्व नहीं है, इस कारण से होते हुए बंद को भी बंद नहीं होता ऐसा कहा जाता, और तीसरा अनंत संसार का कारण रूप बंद नहीं हो रहा है इसलिए भी बंद नहीं होता ऐसा कहा। अभी जो गाथाएं आई इनमें एक चर्चा और आगे बढ़ाते हुए कहा, जो मिथ्यादृष्टि अज्ञानी है उन्हें तो इस तरह रागादि का सद्भाव और आश्रव बंद हो रहा है, लेकिन कदाचित कोई ज्ञानी होकर पुनः अज्ञानी हो जाता है,
तो उसे भी पुनः आश्रव बंध उसी प्रकार से होने लग जाता है। ये इसमें अभी जो विशेष प्रकरण और आगे बढ़ाते हुए कहा, अनुशीलन से पढ़ेंगे, गुरुदेव का उद्धरण भी पूरा पढ़ेंगे, अगले कलश का भी पढ़ेंगे, इसलिए अनुशीलन ले लें सभी पीछे तक भी। और जो इधर विद्यार्थी भीड़ इधर दिख रही, मुझे थोड़ा ऐसा फैल के बैठे, इधर खाली जगह दिख रही है, इस तरह बजाए। क्या नाम? बेंच कम हो तो मुझे खाली बेंच दिखाई दे रही है, वहां से उठा के लगा लेना चाहिए, साइड में लगी हुई, उधर से महिलाओं में से नहीं उठाना, साइड से, तो काम में नहीं आ रही है वो। देखिए पेज नंबर 70 पर ऊपर से ही पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। यहां पर शुद्ध नय से च्युत होने का अर्थ ज्ञानी धर्मात्मा का शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आ जाना मात्र नहीं है, अपितु शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा की श्रद्धा से च्युत हो जाना है, मिथ्यात्व की भूमिका में आ जाना है। इस बात को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जब ज्ञानी शुद्ध नय से च्युत होता है तब उसे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी संबंधी रागादि भाव का सद्भाव होता है। आहा, जहाँ स्वभाव की रुचि छूटी, वो राग की रुचि हुई, वहाँ फिर उसे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी राग द्वेष होने लगता है। ये किसका कारण कहा जाए? राग से रहित मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, राग किसी प्रकार से सुखदायक नहीं है, दुखदायक ही है, राग मात्र शुभाशुभ का भेद नहीं, राग मात्र विभाव है, ऐसा अच्छी तरह से निर्णय हुआ। एकमात्र स्वाधीन परिणति स्वभाव, स्वभाव रूप होने वाला परिणाम नहीं स्व है, सुखदायक है, ऐसा निर्णय बहुत अच्छी तरह से हुआ। उसके बाद फिर से रुचि, ये निर्णय छूट करके वापस राग में आ जाती है रुचि, ऐसा कैसे होता है? किसके कारण से हो गया ना? ग्यारहवें गुणस्थान तक चढ़ करके भी गिरत तह ते चित भ्रम ठाणी, वहां से भी गिर करके गिरते हैं, ग्यारहवें गुणस्थान से भी क्यों गिरे? कि चित्त भ्रम ठानी, चित्त में भ्रम खड़ा हो गया। अब किस कारण से भ्रम खड़ा हुआ, किससे हुआ? इतना अच्छी तरह से निर्णय किया था, वहां तो बहुत से कारण दे दिए हैं, वो काल क्षय कह दिया, भाव क्षय कह दिया, कर्म का उदय आ गया, तो कर्म उदय आएगा, लेकिन नीचे की भूमिकाओं में तो अभी तो चौथे गुणस्थान में श्रद्धान हुआ है, वो श्रद्धान छूट करके मिथ्यात्व हो रहा है, वहाँ कारण क्या है? तो कारण अब कुछ नहीं देख सकते हैं, उपादान की तरफ से कहा जाए उचित भ्रम ठानी, उचित में भ्रम हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? शाम को दुकान क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, कोई मंगल कर देता है, बंद करना अच्छा नहीं लगता है। लोग अपने जो स्वार्थ, जो जिसे अपना वो समझते हैं ना, हित अहित समझते हैं ना, उसमें तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, शब्द के प्रयोग में बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन सचमुच जहाँ हित अहित जुड़ा हुआ है वहाँ वहाँ कोई ध्यान नहीं रखता है। हिंसा अहिंसा के शब्दों का प्रयोग करने में ध्यान रखता है, वहाँ कहेंगे कि शब्द से भी हिंसा होती है तो क्या कहेगा, अरे शब्द से भी कोई हिंसा होती है क्या, ये तो शब्द में वैसे ही कहा जा रहा है, तो वो वहाँ स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन वहाँ कहे दुकान बंद कर दी, अरे भैया क्या दुकान बंद ही कर रहे हो क्या, बंद नहीं करनी, कल वापस खुलनी है।
वो जो बंद करके आ रहा है, ताला लगा दिया है और ताला लगा करके आगे बढ़ गया है, फिर क्या हो जाता है? फिर चित्त में शंका खड़ी हो जाती है कि मैंने ताला लगाया था कि नहीं लगाया था। वहाँ खड़ा खड़ा विचार करता है और वो वहीं खड़े खड़े भी निर्णय कर सकता है कि नहीं मैंने लगाया था, और वापस लगा तो दिया था लेकिन अच्छी तरह लगा कि नहीं लगा, मैंने खींच करके भी देख लिया था। यदि विश्वास हो गया तो आगे बढ़ जाता है, नहीं हुआ तो वापस जाएगा। ये वापस क्यों गया? किसने लगाया था ताला? खुद नहीं लगाया था, अच्छी तरह लगाया था। जब लगाया था दो तीन तीन बार अच्छी तरह खींच करके देख लिया था, हो गया था ना पक्का। जब इतना अच्छी तरह विश्वास हुआ है तभी वह चलने के लिए निकला वहाँ से, और फिर थोड़ी देर जाते ही फिर शंका खड़ी हो गई। वह भी जैसी शंका खड़ी होती है बस ऐसे ही तत्व में भी शंका खड़ी हो जाती है। अशुभ भाव तो ठीक है, ये तो आश्रव बंध का कारण है, ये संसार का मार्ग है, लेकिन शुभ भाव निर्णय तो किया, शुभ भाव से भी बंद होता है, ये तो संसार का ही कारण है, मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन उसके बिना कैसे चलेगा? शुभ भाव थोड़ा बहुत तो होगा मोक्ष का कारण। ये फिर लौट करके उस राग के प्रति रुचि हो जाती है, ये होती है। तो अपने जैसे लौकिक दृष्टि से निर्णय किए हुए बातों में दृष्टोपि समारोपा तादृक हो जाता है, ऐसे ही तत्व के संदर्भ में भी वहाँ दृष्टोपि का किया जाना हुआ, यहाँ दृष्टोपि करना श्रद्धान किया हुआ, अच्छी तरह से जिसका श्रद्धान किया था उसमें भी समारोपात फिर संशय आदि खड़े हो जाते हैं, तो फिर वो तादृक फिर वैसे के वैसे मिथ्या दृष्टि हो जाता है। इसलिए कहा जहाँ स्वभाव की रुचि छूटी व राग की रुचि हुई वहाँ फिर उसे मिथ्यात्व अनंतानुबंधी राग द्वेष होने लगता है। रागादि भाव के सद्भाव का अर्थ जहाँ यहाँ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी राग द्वेष का उत्पन्न होना है, केवल अस्थिरता के राग की बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो मैं चैतन्यमय हूँ ऐसे अभिप्राय से च्युत होकर मैं राग हूँ ऐसा अभिप्राय हुआ, वहाँ शुद्ध ने से भ्रष्ट हो गया। भले व्यवहार में कठोर क्रियाकांड करता दिखाई दे किंतु यदि अंतर में भ्रष्ट हो गया तो उसे नवीन कर्मबंध अवश्य होता है। पुनः स्थान में आप पढ़ते हैं, पढ़ चुके जो पढ़ रहे हैं आगे पढ़ेंगे, द्रव्यलिंग की चर्चा आती है ना, अनेक प्रकार के द्रव्यलिंग की बात आती है। एक पहले गुणस्थान वाले भी द्रविलिंगी होते हैं, एक चौथे गुणस्थान वाले भी होते हैं, पांचवे वाले भी, और छठे सातवें वाले तो होते ही होते हैं। वो छठे सातवें गुणस्थान वाले द्रविलिंगी, द्रविलिंग है साथ में, यानी भावलिंगी तो है ही है, द्रविलिंगी है। भावलिंगी तभी है जब बाहर में पूरा द्रविलिंग बराबर है अच्छी तरह से। उस वे सम्यक्तु से च्युत होकर मिथ्यात्व में आ गए, लेकिन बाहर जो निरतिचार द्रव्यलिंग का पालन हो रहा था, 28 मूल गुणों का पालन हो रहा था, मुनिचर्या का पूरा पालन हो रहा था, जैसे छठे सातवें में हो रहा था, भावलिंग के साथ हो रहा था, अभी भी वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। बाह्य दृष्टि से देखने वाले उन मुनिराजों को देख करके विचार करें, धन्य मुनिराज जो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते हुए निरंतर असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, कितने कर्मों की निर्जरा इनकी निरंतर हो रही है, हम ये विचार कर रहे हैं क्यों? देखो कैसी ध्यानस्थ मुद्रा दिख रही है। तिन सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते, तिन सुथिर मुद्रा, ये बाहर की सुथिर मुद्रा देखकर हम निर्णय कर रहे हैं कैसे मुनिराज ध्यानस्थ है, कैसे कर्मों की संवर निर्जरा कर रहे हैं, और उधर कह रहे हैं कि संवर निर्जरा नहीं हो रही है, कर्मों का आश्रव बंद हो रहा है, अनंत संसार के देने वाले कर्म का आश्रव बंद हो रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि
वो आश्रव बंध का संबंध बाहर की क्रियाकांड से नहीं है। बाहर का क्रियाकांड बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखाई दे, तब भी यदि अंदर से मिथ्यात्व में आ गए हैं तो आश्रव बंध तत्काल शुरू होगा। ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। वो क्रमबद्ध पर्याय में एक उदाहरण दिया है ना, वो मशीन तोलने की ऑटोमेटिक व्यवस्था हो तो क्या हो सकता है, और किसी के हाथ में दी जाए तो क्या हो सकता है। ऐसे एक कर्म बंधन की व्यवस्था ऑटोमेटिक है, किसी के हाथ में नहीं है, और कोई चित्रगुप्त जैसे और किसी के हाथ में दी गई होती जो हिसाब किताब लिखते रहते और फिर उसके अनुसार देते तो मुश्किल होती। वो इतना माने वहीं तत्काल जहाँ समय भेद नहीं है, जिस समय गिरे उसी समय से अनंत संसार का बंध शुरू हुआ। ग्यारहवें गुणस्थान से गिरकर कहाँ आए, ऐसा नहीं कि वो ग्यारहवें से गिर गए हैं तो अनंत संसार शुरू हो गया, ये आके छठे सातवें में रुक गए तो उतना होगा, पांचवें में रुक गए उतना होगा, चौथे में उतना होगा, पहले में आए तो अनंत संसार शुरू होगा। अरे वो तत्काल जैसे श्रेणी चढ़ते समय 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 विशुद्धि की वृद्धि होती जा रही है, और उस विशुद्धि की वृद्धि के अनुसार जो जो आवश्यक जो कार्य होते जा रहे हैं ना, वो समय समय होते जा रहे हैं। और जैसे वो वृद्धि को होते जाते हैं ना, और उसके अनुसार स्थिति घटती अनुभाग घटता है, जो जो सभी कार्य वहाँ कर्मों के होते रहते हैं, उल्टा होगा तो जैसे 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 गिरते आएंगे समय समय वैसे फिर शुरू हो जाएंगे उतनी ही तेजी से। तो ये दोनों तरफ बराबर और ऑटोमेटिक व्यवस्था है, तो कोई दूसरा बिल्कुल भी करने वाला नहीं है उसमें। इसलिए ये क्या बाहर भले ही व्यवहार में कठोर क्रियाकांड करता दिखाई दे, किंतु यदि अंतर में भ्रष्ट हो गया तो उसे नवीन कर्मबंध अवश्य होता है। तो मुनिराज ऐसी कठोर चर्या कर रहे हैं और आश्रव बंध शुरू हो गया, आनंद संसार का शुरू हो गया, अब उन्हें क्या करना चाहिए, अब क्या फायदा इसका, छोड़ दो, चलो अपन भी घर गृहस्थी में चलते हैं, व्यापार धंधा करते हैं, 1500 के नोट बदलने के लिए चलते हैं, क्या क्या विचार आएगा। नहीं, विचार की बात तो छोड़ो, करना क्या चाहिए, विचार तो उनको क्या आता है वे तो वे जाने, एक होना क्या चाहिए, वो छोड़ने की बात न, वे छोड़ते हैं बल्कि अंतरंग के जिस पुरुषार्थ की कमजोरी से अपना पुरुषार्थ करते हुए भी कदाचित कर्म का उदय तीव्र था, हमारा पुरुषार्थ कमजोर पड़ा तो क्या करेंगे, वापस पुरुषार्थ की तीव्रता बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बाहर के क्रियाकांड नहीं छोड़ेंगे। छोड़ करके गृहस्थ दशा अंगीकार कर ली, गृहस्थ दशा तो अंगीकार कर ली है, लेकिन अब मैं पुरुषार्थ करता हूँ, फिर छठे सातवें गुणस्थान के योग्य शुद्धि लेकर रहूँगा, अब नहीं ला सकेंगे। माने वो बाहर में वो दशा बनी रही और वो फिर अंतरंग का पुरुषार्थ बढ़ा तो वापस छठे सातवें में पहुँच सकते हैं, और यदि वो भी छोड़ दिया तो फिर आने वाला नहीं है। इसलिए वो बाहर का भी वो उपयोगी उसमें रहते हुए प्रयास किया जाना चाहिए। गुणस्थान के गमनागमन में पहले गुणस्थान से कहाँ कहाँ जा सकता है, ऊपर से ऊपर जाए तो कहाँ जा सकता है, तो सीधे सातवें में जा सकता है ना, पहले गुणस्थान से मिथ्यात्व से सीधे सातवें में कौन जाएगा, तो ये द्रव्यलिंग बाहर में है तब जाएगा, तो वो गिरा हुआ भी फिर से सीधे सातवें में जा सकता है, लेकिन वो बाहर में बराबर उसे रखे निरतिचार। हाँ भैया यश, हाँ सावधानी से सुनना, इधर उधर नहीं बातें नहीं, ध्यान रखते हुए बराबर, थोड़ी लाइट कम दिखती है मुझे पीछे, उजाला अच्छा होना चाहिए जिससे दिखे कौन क्या कर रहा है। चलिए आगे,
आत्मा सदा ज्ञानानंद स्वभावी वस्तु है, उसके स्वभाव की दृष्टि में रहना ही शुद्ध नये में रहना है, तथा उससे छूटकर दया दान आदि पर्याय की रुचि हो जाना शुद्ध नये से भ्रष्ट होना है। माने दया दान आदि में आ जाना ये शुद्ध नये से भ्रष्ट होना है, ये दया दान आदि में आना नहीं है, दया दान आदि की रुचि हो जाना। अरे ये तो मैंने ऐसा सोच लिया था कि ये तो क्रियाएं नहीं, नहीं मोक्ष के लिए कारण नहीं है, ये नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये भी कारण है। अब ये वहां आ गया स्वसमय पर समय की चर्चा में पंचास्तिकाय की एक गाथा दी है, शुद्ध सो शुद्ध संपो गादो अवदित्य दुख मोक्कम। माने यदि ज्ञानी भी अज्ञान के लव से ऐसा माने कि शुद्ध संप्रयोग से मोक्ष होता है, तो उसे उस समय सूक्ष्म पर समय जानना चाहिए। माने ज्ञानी को भी यदि ऐसा विचार आ जाए, शुद्ध संप्रयोग माने अरहंत आदि की भक्ति से मुक्ति होती है। अभी वहाँ चारित्र संबंधी दोष की बात है, तब तो वे स्वरूप से हट करके वहाँ मुख्यता से आए, लेकिन श्रद्धान में भी आ जाए तो फिर मिथ्यात्व में ही आएंगे। श्रद्धान में भी ऐसा लगा कि नहीं इसके बिना नहीं हो सकता, यही है, तो वो फिर मिथ्यात्व में आ जाएंगे। तो शुद्ध ने दयादान आदि पर्याय की रुचि हो जाना, वो रुचि जीवन में होते हैं ज्ञानी के, तो होते ही है, हुए बिना रहते नहीं है, बस उसकी रुचि माने ये मोक्ष मार्ग है। टोडरमल जी के शब्द आश्रव के संदर्भ में बात करते हुए जो लिखा आश्रव तत्व के अन्यथा रूप सातवें अधिकार वाले में, माने जो जब तक वीतराग रूप होकर ज्ञाता दृष्टा न रहा जाए तब तक क्या करना, प्रशस्त राग रूप आचरण करो। अरे प्रशस्त राग रूप होने के लिए कहते हैं तो ये क्रिया में भाव में भी निषेध नहीं है उसका, निषेध कहाँ है, श्रद्धान में उसे मोक्ष मार्ग माने तो मिथ्या दृष्टि है, होने में दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कहे कि करने में दिक्कत नहीं है। हाँ विकास, विकास ही नाम है ना सामने भैया, मुझे बोलता हुआ दिखता है तो बिल्कुल पसंद नहीं आता है ना, अब मेरा ध्यान टूटता है भैया, आप बिल्कुल ध्यान से सुनो, समझ में नहीं आ तो भी सुनो ना, कम से कम पुण्य का बंद तो करो, ज्ञानावरणी का क्षोभसम ज्ञानावरणी बंद मत करो, ध्यान सबको ध्यान सुनो। अच्छा मैंने यश से कहा था पहले, तुमसे नहीं कहा था ऐसा, यश का मतलब यश नहीं है, अब यश का मतलब ये नीचे मुंडी करके नहीं बैठना है यश भाई, नीचे देखने के लिए नहीं कहा, ध्यान से सुनना है, नाराज हो गए क्या नहीं अच्छा हाँ क्या बात चल रही थी, देखो छूट जाती बात ना, प्रशस्त राग की वो करो कह रहे ना, प्रशस्त राग रूप आचरण करो। ज्ञानी की दृष्टि से बात की जाए तो आए बिना रहता नहीं है, और आते हुए उसे चिंता नहीं करता है, अरे मुझे राग क्यों आया ऐसा, बिल्कुल आया है भूमिका अनुसार आया है, स्वरूप की स्थिरता बढ़ेगी तो जाएगा, वो टिकने वाला नहीं है। अज्ञानी को भी बुद्धि पूर्वक लाना पड़े तो भी लाना, लेकिन निरंतर ये तत्व की दृष्टि से ये करने योग्य नहीं है, सिर्फ साधन है, इस साधन के बिना साध्य तक पहुंचा नहीं जा सकता है, इसलिए साधन का सहारा तो लेना पड़ेगा, इसलिए इसका आश्रय ले रहे हैं, करना होना, लेकिन तात्विक निर्णय उसके प्रति अच्छी तरह से होना, निश्चय की मुख्यता से जितना शुभ उपयोग पुण्य क्रियाकांड इसको जितना ही कहा गया, और समय सार को आधार बना करके अध्यात्म को आधार बना करके गुरुदेव श्री ने भी जितना कहा उसे सचमुच दूसरों ने समझा नहीं, यदि समझते तो इस तरीके से निषेध नहीं करते, और इसलिए आचार्य शांति सागर महाराज जी को कहना पड़ा
जरा वो कांजी स्वामी ऐसा करते, पुण्य को ही कहते हैं, क्रियाकांड से कुछ नहीं होता कहते हैं, तो वो भी उनने ही कहा मेरे सामने भी समय सार रखोगे तो मुझे भी यही कहना पड़ेगा। ठीक है कि समय सार रखेंगे तो ये कहना पड़ेगा, लेकिन आप उनका अंतिम उपदेश, सबसे अंतिम जो उपदेश हुआ उसे आप सुनेंगे पढ़ेंगे, अब तो सुनने का कहाँ रह गया, आप कहीं भी पढ़े तो उसमें निश्चय पर बहुत जोर है, आत्मलीनता पर बहुत जोर दिया गया है, माने अकेले क्रियाकांड से कुछ नहीं होगा, माने वो साथ में क्रियाकांड पर भी जोर दिया लेकिन साथ में असली मोक्ष मार्ग क्या है ये भी बताया। तो उस समय तो उनके सामने समय सार नहीं था ना, तो वास्तविक निचोड़ तो वही है। क्या ऐसा कहेंगे तो सब कुछ क्रियाकांड छोड़ देंगे, पूजा पाठ छोड़ देंगे, शुभ क्रियाएं छोड़ देंगे, शुभ भाव छोड़ देंगे, अच्छा उपदेश देंगे तब नहीं छोड़ेंगे ना। जो बहुत कभी कभी ऐसा कहते हैं, डायरेक्ट भी हमसे कहते हैं कि आप लोग बहुत गलत करते हो, वैसे ही लोग पूजा पाठ करते नहीं हैं, शुभ भाव में है नहीं और आप और हे बताते हो तो और भ्रष्ट होते, कोई करेगा ही क्यों करेगा। मैंने कहा ऐसा है, जो स्वाध्यायी जहाँ ये चर्चा चलती है वहाँ देखो, और जहाँ निरंतर इसी बात का उपदेश दिया जाता है कि शुभ भाव यही मोक्ष मार्ग है, इसी से कल्याण होगा, इसकी बराबर ठोक बजा कर के कहा जाता हो, वहाँ का रेशो देख लो, उनकी संख्या कितनी है देव दर्शन की, सदाचरण की, उनके यहाँ अब जो भी आप उनके शिष्य समझो, उनके फॉलोवर समझो या जो भी मानो, और स्वाध्यायियों के यहाँ देखो क्या स्थिति है, वो कहने के बाद भी स्थिति समझते हैं, इसलिए छोड़ देंगे ऐसा नहीं है। फिर तो टोडरमल जी का वही वाक्य याद आता है, गधा मिश्री खाने से मर जाए तो सज्जन पुरुष तो छोड़ेंगे नहीं, आप वो क्या करें, ऐसे गधे कोई हो छोड़ दे, शुभ भाव क्रियाकांड छोड़ करके स्वच्छ, अरे ये तो सहज प्रवृत्ति है, इतना आसान नहीं है, पानी जैसा नीचे जाता है ना ऐसा ऊपर आना आसान नहीं है, ऐसा ये नीचे की तरफ प्रवृत्ति जाना, विषय कषाय में जाना, अशुभ भाव में जाना, अशुभ क्रियाओं में जाना, शुद्ध परिचदानुभूता सवस्वी काम भोग बंद कहा, ये तो सहज पढ़ाई है, ये तो जाता ही है, ये इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं कि उपदेश देने से गया कि उपदेश देने से नहीं गया, इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन असली तत्व छूट जाता है इसके चक्कर में कि नहीं साहब ये छोड़ देंगे तो क्या करो कि उसको उपाधेय मानो, तो उपाधेय मानोगे तो आश्रय बन संवर निर्जरा सबका तत्व की विपरीतता हो गई, जो आश्रय बंद का कारण था उसे आपने संवर निर्जरा का कारण बता दिया, तो उस तत्व की विपरीतता होती है, तो तत्व का यथार्थ निरूपण तो यथावत ही होना चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं हो सकती है। प्रश्न, गाथा में तो ऐसा लिखा है कि ज्ञानी जीवों के पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं, और आप यह कह रहे हैं कि यह मिथ्यात्व की भूमिका की बात है, अज्ञान अवस्था की बात है, माने वह नानिस शब्द का प्रयोग किया ले रहे उत्तर में, इसका क्या कारण है। यद्यपि गाथा में नानिस पद पड़ा है तथापि साथ में नए परिहीना पद भी पाया जाता है, क्योंकि ज्ञानी तो नयों से परिहीन होते नहीं हैं, अतः ज्ञानी शब्द का अर्थ सामान्य जीव ही लेना चाहिए। ज्ञानी शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, जिसमें सम्यक ज्ञान हो वे ज्ञानी, एक अर्थ तो यह है, और दूसरा यह है कि जिसमें ज्ञान हो चेतनता हो वह ज्ञानी जीव, तो ज्ञानी माने दोनों अर्थ हो सकते हैं, यहाँ कौन सा लेना। यद्यपि यहाँ ज्ञानी का अर्थ सम्यक ज्ञानी नहीं सम्यक ज्ञानी अर्थात जीव लिया जा सकता है, तथापि ऐसा जीव लेना अभिष्ट है कि जो पहले सम्यक ज्ञानी था और बाद में सम्यक ज्ञान से भ्रष्ट हो गया, क्योंकि आत्मख्याति में स्पष्ट लिखा है जब ज्ञानी जीव शुद्ध नय से च्युत होता है तब उसके रागादि भाव का सद्भाव होने से पूर्ववत द्रव्य प्रत्यय ज्ञानावरणादि कर्मों को बांधते हैं। जब यहाँ अज्ञानी जीव ही अपेक्षित है तो फिर ज्ञानी पद का प्रयोग क्यों किया गया, ये तो उल्टा हो गया ना।
उत्तर, क्योंकि यहाँ ऐसा अज्ञानी लेना है जो पहले ज्ञानी था और बाद में शुद्ध नय से च्युत होकर अज्ञानी हुआ है। आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति में तो एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यहाँ ज्ञानी शब्द का अर्थ चैतन्य लक्षण वाला अज्ञानी जीव लेना, विवेकी जीव नहीं। मैंने शब्द ज्ञानी दिया लेकिन समझना वो अज्ञानी है। इन गाथाओं का निष्कर्ष प्रस्तुत ये हो गया ना, इन गाथाओं का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए तात्पर्य वृत्ति में लिखा है कि यहाँ तात्पर्य यह है कि जिसमें अपना शुद्धात्मा ही ध्यान का ध्येय बनता है और जो संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर डालने में समर्थ है, ऐसा शुद्ध नय विवेकियों को त्याग करने योग्य नहीं है। ये वहाँ जयसेन आचार्य ने अंतिम तात्पर्य निकाला और अमृतचंद्र आचार्य ने नहीं निकाला तात्पर्य, ये उन्हें आगे कलश में लेना है। इसलिए इसी भाव का पोषक कलश आत्मख्याति में इस प्रकरण में लिखा गया जो इस प्रकार है। बोले सभी मिलकर के श्लोक बोलिए। इदमेवात्र तात्पर्यम् हेया शुद्धनयो नहीं नास्ति बन्धस्तदत्यागात् तत्यागात् बन्ध एव हि। बड़े बड़े श्लोक होते हैं और छोटा सा पद्यानुवाद कर देते हैं, और यहाँ अनुष्टुप छोटा सा तो चार पंक्तियों में किया, तो वो पूरा भाव स्पष्ट करने के लिए ये जो तात्पर्य दिया। ये कह रहे अभी जो हम प्रकरण पढ़ रहे अकेला इसी का नहीं है, इसलिए बनारसीदास जी ने दूसरे तरीके से उसका भावानुवाद दिया, पढ़ेंगे उसे। तात्पर्य है, तात्पर्य क्या, सारी बात संक्षेप में हम कहे तो क्या कहना चाहते, इतना सा कि हेया शुद्ध नयो नहीं, शुद्ध नय कभी हेय नहीं है, किसी को हेय नहीं है, माने वो निरंतर उपाधेय है। ग्यारहवीं बारहवीं गाथा पीछे, बारहवीं गाथा में जब ग्यारहवीं गाथा में कहा व्यवहारो अभूदत्थो, व्यवहार ने अभूतार्थ है, शुद्ध ने भूतार्थ है, तो उसलिए उसकी अगली गाथा में कहा कि व्यवहार ने को अभूतार्थ कह दिया, इसलिए बिल्कुल हे ये है के लिए नहीं नहीं। केशांचित कदाचित सोपी प्रयोजनवान, कदाचित केशांचित सोपी प्रयोजनवान, कदाचित और केशांचित। अब कहते वो व्यवहार ने जिसे अभूतार्थ कहा था उसे कहा केशांचित कदाचित, किसी किसी को कभी कभी प्रयोजनवान है। अब वो जो शुद्ध नहीं था भूतार्थ, उसके लिए क्या कहना चाहिए, व्यवहार ने जो कि अभूतार्थ है वह भी केशांचित कदाचित प्रयोजनवान, लेकिन जो शुद्ध नहीं है जो भूतार्थ है उसके लिए क्या कहा जाए, उसको भी ऐसे ही कहा जाए केशांचित कदाचित सोपी प्रयोजनवान, वो शुद्ध ने जो है कभी कभी किसी किसी को प्रयोजनवान है, ऐसा नहीं है। उसके लिए तो कहते हैं सर्वेशाम सर्वदा प्रयोजनवान, वो शुद्ध ने तो सबको सर्वदा प्रयोजनवान है। या वो तो ज्ञानी की बात है, हम तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कहाँ उसका आश्रय करते, आश्रय नहीं कर रहे, लेकिन करने योग्य तो हमें भी वही है। हम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे अलग बात है, हमें भी करने योग्य वही है। कदाचित केशांचित प्रयोजनवान, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मणिराज छठे में आते हैं तो व्यवहार प्रयोजनवान है, वहाँ आकर के जो उनके समता समारे स्तुति उचारे वंदना जिन देव को, ये बराबर अपने षट आवश्यकों का पालन वे करते हैं, अब कहते प्रयोजनवान। अब प्रयोजनवान समझ करके वहीं अटक जाए तो कहते नहीं, जब वे वहाँ आए हैं तो अब ये प्रयोजनवान है, तो फिर वह शुद्ध ने अप्रयोजनभूत हो गया ना, ऐसा नहीं है।
वहाँ रह करके फिर शुद्धोपयोग में जाने का प्रयास करते हैं, इसका मतलब शुद्ध नहीं ही प्रयोजन माने उस समय भी उन्हें, भले ही शुभोपयोग में आए, व्यवहार में आए हैं, तब भी प्रयोजन तो शुद्धोपयोग का ही है, माने शुद्ध नहीं ही तब भी उपादेय है निरंतर, माने सबको शुद्ध ने तो सबको सर्वदा प्रयोजनवान है। व्यवहार नहीं का तो कभी कभी अवलंबन लिया जाएगा, उसे उसका छोड़ करके तो शुद्ध ने का अवलंबन लेना ही लेना है, बल्कि व्यवहार ने का अवलंबन भी लिया किसके लिए है, वो शुद्ध ने के अवलंबन के लिए ही लिया है, उसका साधन समझ करके लिया हुआ है। इसलिए इदम एव अत्र तात्पर्यम, अत्र इदम एव तात्पर्यम, हेया शुद्ध नयो नहीं, शुद्ध नया न हेया, बिल्कुल भी शुद्ध नय कभी हेय नहीं है। क्यों कहते हैं? नास्ति बंधः तद अत्यागात, तद अत्यागात, यदि उसे नहीं छोड़ा, उसका बराबर ग्रहण रहा, उसका आश्रय रहा, तो न नास्ति बंधः, कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको बांध सके, नास्ति बंधः, बंध हो नहीं सकता। और तत्त्यागात बंध एव ही, और यदि छूट गया तो बंध होता ही है, फिर कोई बचा नहीं सकता, फिर बंध से कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए जिसके ग्रहण से बंध नहीं होता, जिसके छूटते ही बंध होता है, वो शुद्ध नय, इसलिए कहते कभी है ये नहीं, शुद्ध नयो न है या। पद्यानुवाद इतना विस्तार क्यों किया? क्योंकि शुद्ध नय कह रहे, इसका तो शुद्ध नय नहीं है, नय का आश्रय नहीं करना है, इसलिए खुलासा किया। इस कथन का सार यह कि शुद्ध नय उपादेय, क्या मतलब? शुद्ध नय द्वारा निरूपित आत्मा ही ध्येय है, आत्मा को जाने, आत्मा को पहचाने, उसका निरंतर आश्रय रहे, आत्माश्रित रहेंगे तो बंध नहीं होगा, और आत्मा का आश्रय छूटा तो निश्चित रूप से बंध हो। बंधे क्या दिक्कत है? अरे बंध से डर नहीं है, अशांति, उसके कारण से होने वाली जो आकुलता है, और हम निराकुल सुख शांति चाहते हैं, तो आत्मा का आश्रय करेंगे तो निराकुल सुख शांति है, और यदि छूटा तो आकुलता अशांति शुरू हो जाती है। इसलिए वो बंध के साथ अशांति और शांति भी जोड़ा, क्योंकि इसके त्याग से ही बंध और अशांति है, इसके ग्रहण में आत्मा की मुक्ति एवं शांति है। उक्त संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि शुद्ध ने त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि उसके त्याग से बंध होता है और उसके अत्याग से बंध नहीं होता। इस कलश में न केवल इस प्रकरण का निचोड़ दिया गया है, अपितु संपूर्ण समय सार का निचोड़ दिया गया है। यही कारण है कि कविवर बनारसी दास जी इस छंद का भावानुवाद करते हुए छंद लिखते हैं, उसमें भी यही लिखते हैं, यह तो संपूर्ण समय सार का निचोड़ है। तो अभी तो अपन अकेले समय सार का निचोड़ समझेंगे, लेकिन कल दौलत राम जी समय सार का ही नहीं कहेंगे, पूरे जिनागम का अपन कल करेंगे, उसको पढ़ेंगे, सारे ग्रंथों का निचोड़ वो यही है। गुरुदेव का उद्धरण और ये सभी विस्तार कल पढ़ेंगे अपन, अभी बनासदास जी का छंद देखते हैं। बोलिए सभी। वास्तव में जीव की दो ही स्थितियां होती है, या तो निगोद या मोक्ष, या तो निगोद में रहेगा या मोक्ष में रहेगा। किन्हीं साहब हम तो अभी मनुष्य है, बहुत से त्रियंची जो दिखाई देते हैं, देव भी दिखाई देते हैं, नारकी भी, ये सब बीच की छोटी छोटी अवस्थाएं हैं। सबसे ज्यादा लंबा समय, सर्वाधिक काल कहीं जाएगा तो निगोद में जाएगा या फिर मोक्ष में जाएगा। क्या आधार क्या इसका? ये जो बीच में हम दिख रहे हैं ना, वो यहीं बीच में नक्की हो जाएगा त्रस पर्याय में, और उस त्रस पर्याय में भी वो साधिक 2000 सागर के लिए आया, उसमें से संगी पंचेंद्रिय होने पर यदि सम्यक्त्व प्राप्त किया और सम्यक्त्व प्राप्त करके सम्यक दर्शन रूप ही रहा तो मोक्ष की तरफ जाएगा,
और सम्यक तो प्राप्त नहीं किया, मिथ्यात्व रूप ही रहा, तो नियम से निगोध में जाएगा। ये दो दशाएं हैं सीधे सीधे। तो यहाँ जो सम्यक तो प्राप्ति की बात है उसे शुद्ध नहीं कह रहे हैं, वो शुद्ध नहीं के आश्रय से, शुद्धात्मा के आश्रय से होगा, शुद्ध नहीं के विषयभूत शुद्धात्मा के आश्रय से होगा, इसलिए वो ग्रहण करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। अब वो छोड़ेगा उसे बंद होगा, माने वो सीधे निगोध ही निश्चित है, सम्यक तो में नहीं रहेगा, मिथ्यात्व रूप बना रहेगा, और त्रस का काल पूरा हुआ तो स्थावर एकेंद्री निगोध में जाना ही जाना है। इसलिए यह निचोर या ग्रंथ को, यही परम रस पोक, परम रस अपना जो आत्म तत्व उसे प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय आनंद, उसका पोषण करने वाले यदि कुछ है तो ये मूल, ये पूरे ग्रंथ का निचोड़ है। तजे शुद्ध नय बंद है, शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्मा को यदि छोड़ दिया तो बंद, बंद माने अकेला बंद नहीं, संसारी नहीं, अकेला निश्चित रूप से निगोध। और गहे शुद्ध नय मोक, और शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्मा का आश्रय लिया रहा, लिए ही रहे तो निश्चित रूप से मुक्ति तक पहुँचेंगे। इस समय सार ग्रंथ का निचोड़ यही है, और यही बात परम तत्व के रस की पोषक है कि शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा के त्याग से बंद होता है और उसके ग्रहण से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। अरे भाई, यह बात अकेले समय सार के निचोड़ की बात नहीं है, संपूर्ण जिनागम का निचोड़ भी यही है, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार भी यही है। इसलिए हमें भी शुद्ध नय के विषयभूत शुद्ध आत्मा का आश्रय करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए।